हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा चौहान आज आप लोग को फोटोशॉप में अगले टूल्स बताने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना फोटोशॉप। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने स्क्रीन पर आपको जहाँ फोटोशॉप का क्या कहते हैं एप्लीकेशन है, वहां से आप लोग फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। ये ठीक है, फोटोशॉप ओपन करने के बाद जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं, जब भी हम काम करते हैं तो शुरुआत हमारी जो है न्यू लेयर और न्यू इमेजेस के साथ में हमारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ओ की मदद से फ्रेंड्स हमारा जहां पे भी फोटोज वगैरह हैं वहां से हम लोग जो है फोटोज पिक कर लेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक इमेज आप फाइंड आउट करके ले सकते हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारे पास कुछ इमेजेस हैं भी या नहीं। सो अभी ज्यादा कुछ इमेजेस हैं नहीं हमारे पास, तो इन्हीं को हम लेते हैं। ओके करते हैं, ये रहे। ठीक है, अब इन्हीं के इमेजेस के साथ हमें जो है आज के ऑप्शंस हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, सो देख सकते हैं फ्रेंड। अब सबसे पहले आते हैं अपने टूल बॉक्स पे, देख सकते हैं यहाँ पे टूल बॉक्स पे। हाँ, टूल बॉक्स से काम करने से पहले सबसे पहला काम यह है कि आप यहाँ से इमेज की साइज वगैरह चेक कर लेंगे। ये देखिए, ध्यान से एक बार इमेज की साइज चेक कर लीजिए। रेजोल्यूशन इनका 72 है, विड्थ इनकी 12.333 है, हाइट भी इनकी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और पिक्सल पर इंच में जो इनकी इमेज की हाइट और क्या कहते हैं विड्थ है। ठीक है, सो यहाँ से ओके कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें और ज्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं, बाकी जो भी काम करना होगा हमें उसके लिए हम लोग जूम करके कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट हमने यहाँ से पेंट बकेट टूल और ग्रेडिएंट टूल का यूज हमने कर लिया था। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो करना है वो यूज है हमारा ब्लर टूल। ब्लर टूल का यूज करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें करना क्या है, अपनी इमेज को यहाँ से क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से ये टूल लिया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ से आपको क्या कहते हैं, टूल लेने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम चले जाएंगे फेदर, यहाँ से हम लोग दे देंगे। सपोज दैट मान लिया हमने यहाँ से 10 पिक्सल दे दिया। ओके, ये हमने 10 दिया और एंटर कर दिया, ये हमारा 10 पिक्सल हो गया। अब नेक्स्ट हमको करना क्या है, हमको जो है क्रॉप टूल का यूज करना है। क्रॉप टूल हमने ये चूज कर लिया और उसके अलावा हमको यहाँ से फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे जब हम क्रॉप टूल का यूज कर रहे हैं सो हमको कितनी हाइट रखनी है, कितनी हाइट रखनी, कितनी विड्थ रखनी, कितनी रेजोल्यूशन, ये आप चाहें तो पहले से डिसाइड कर सकते हैं, प्री डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप जो है जैसे जैसे आप यहाँ से क्रॉप करेंगे इमेज वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका लेता चला जाएगा। ये देखिए, हमने इनकी इतनी इमेज को यहाँ से उठा लिया है ये। ठीक है, और उसके बाद हमको करना क्या है, पहले तो न्यू लेयर लेना है, कंट्रोल है, यहाँ से हम लोग जो है क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे इसी पे है तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन से हटा देंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने यहाँ से कंट्रोल एन। पहले हमें HD क्वालिटी में एक अच्छे से हम लोग जो है कैनवस साइज ले लेंगे। ये रहा, ओके किया, इसको उठा के हम इधर साइड में रख देते हैं। इसी इमेज को हमने चूज किया, क्रॉप टूल यहाँ से हमने ले लिया। क्रॉप टूल लेने से पहले जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स, ये देखिए क्रॉप अगर आपको करना है, सपोज दैट यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी 3 और हाइट दे दी यहाँ पे हमारी 4। ठीक है, और रेजोल्यूशन यहाँ पे हमने दे दी 90। ठीक है, और जैसे ही एंटर करेंगे ये हो गया एंटर। अब इसके बाद हम जब यूज करते हैं ये देखिए इमेज को, ये देखिए, तो हमारा इससे ज्यादा इमेज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे जो है क्या किया था, पहले हमने डिसाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है इससे।
तो यहाँ से हम अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। पहले यहाँ जो ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे चेक लगा इसको हटा देंगे। ये देखिए हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया। हमको इतना हमें ये नहीं रखना था इसलिए कंट्रोल अल्ट जेड कर लेंगे। ठीक, और दोबारा से हम यहाँ से ये जो हमारा हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है इसको हम हटा देंगे ये। और यहाँ से अब हम जो है क्रॉप करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर आप लोग क्रॉप करते हो प्री डिफाइंड अगर आप लोग करते हो ठीक है, तो उसका यही होगा कि आप जब क्रॉप करोगे तो क्या होगा, इमेज की साइज उतनी हो जाएगी। तो आप लोग जो है या तो अगर आप लोग को सेट करके ही बनाना है तो अगर आपको शेप के हिसाब से साइज के हिसाब से लेके जाए तो आप लोग प्री डिफाइंड करिए। अगर आप लोग को साइज के हिसाब से नहीं चलना है तो आप लोग प्री डिफाइंड मत करिए। इसे सीधा सीधा हम लोग जैसे जैसे यहाँ से हम ओके करेंगे एंटर करेंगे, ये देखिए हमारी इमेज की साइज ऑटोमेटिकली इतनी होगी। पासपोर्ट साइज जब आपको पिक्चर्स क्लियर यूज करना होगा, यहाँ से हम इसको बढ़ा देते, ये देखिए यहाँ से इस इमेज की साइज इतनी होगी जैसे हमने एंटर किया। क्या होता है फ्रेंड, जब हमें इमेजेस को पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करना होता है या फिर हमको किसी और जगह एडिटिंग करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सीधा सीधा क्रॉप टूल का यूज करके हम उसको रिसाइज कर देते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी पूरी इमेज, इसको हम वापस से ठीक है कंट्रोल के साथ प्लस कर लेते हैं, इसे मैक्सिमाइज करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रॉप टूल का यूज आप लोग को आई गेस समझ में आ गया हो। करना क्या है, जब भी अगर आपको क्रॉप या तो यहां से पहले डिफाइन कर लीजिए या तो फिर, और हाँ फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से पिक्सल पर इंच यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिया रहेगा। यहाँ से आप अगर और भी ऑप्शन है तो चूज कर सकते हैं, फिलहाल के यहाँ पे हमें सिर्फ पिक्सल पर इंच ही मिल रहा है, हम वही देखे चलेंगे। एक पर पिक्सल पर इंच है और दूसरा ऑप्शन हमारा पिक्सल पर सेंटीमीटर, हमने यहाँ से पिक्सल पर इंच ले रखा है ठीक है। और उसका हाइट और विड्थ हमको हाइट और विड्थ हमको जितनी देनी है उतना हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारे क्रॉप टूल का यूज। अब देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहां से मैंने दे दिया, यहां से देखिएगा फ्रेंड्स स्क्रीन पर, यहां से दे दिया मैंने 2 और हाइट यहां से मैंने दे दी 3 एंटर। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स ये दे दिया और उसका एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हम यहां से इमेज को हम जो है चूज कर लेंगे। ये देखिए जितना हिस्सा हमको रखना है उतना हम ये जो है माउस की मदद से हमने ये किया एडजस्ट किया और ये देखिए इमेज हमारी कट के इतनी आ गई। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्रॉप टूल का यूज। आई होप कि क्रॉप टूल का यूज आप लोग को समझ में आया हो। ये देखिए अगर इसका आप डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हैं। कलर रेंज अगर आप देना चाहते हो तो कलर रेंज आप लोग इस तरह से यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ओके कर देंगे। ये देखिए ओके ठीक है, ये और ज्यादा हमारा डार्क हो गया, कंट्रोल ऑल्ट जेड ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्रॉप टूल। आई होप कि आप लोग को क्रॉप टूल का यूज अच्छे समझ में आ गया हो। और अब हमको जो है करना क्या था फ्रेंड्स, हमको जो है ब्लर टूल का यूज करना था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट टूल पे जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी हमने 10 PS हमने फेदर दे रखा है, इमेज को हमको जितना चाहिए उतना हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। और नेक्स्ट करना क्या है हमको, मूव टूल की मदद से हमने यहाँ से ये देखिए इमेज हम उठा के यहाँ से लेके आए, ये देखिए आ गई इमेज। अब फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेंगे, ये देखिए इमेज हमारी सेट हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म के लिए, ताकि हम लोग इक्वली साइज को हम लोग जो है वेरीफाई कर सके। कंट्रोल टी और अब यहाँ पे वेक्टर शो कर लें और शिफ्ट के साथ ये देखिए जब हम प्रेस करेंगे तो इक्वली हमारा यहाँ पे साइज आएगा, ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए पिक्चर तो हमने यहाँ पे ले आए, अब ये जो पिक्चर हम यहाँ पे उठा के ले आए यहाँ से अगर हम ये ट्रांसफॉर्म का चेक हटा दें और बाहर कहीं क्लिक करें, हमने यहाँ इस लेयर पे हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए
अब ऐसा नहीं लग रहा फ्रेंड, 10 PS हमने देने के बजाय फ्रेंड यहाँ पे पहले ही हमारा फेदरी इफेक्ट आ चुका है। ध्यान से अगर स्क्रीन पे देखें तो इसकी एजेस बहुत ज्यादा लाइट है, जिससे कि वो इस बैकग्राउंड के साथ आपको मर्ज की हुई दिखाई पड़ेगी, देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे अगर आप और कोई एडिटिंग करना चाहें, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लेयर पे कर्सर रखा है, ये लिया और यहाँ से हमने ग्रेडियंट टूल को पकड़ा, आई मीन ग्रेडियंट टूल को हमने चूज किया एंड देन ये, और यहाँ से हम जैसे कलर डिफाइन करेंगे यहाँ तक, ये देखिए हमारा कलर बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ जिग्सा पजल के जैसा यहाँ पे बन के चला आया, ये देखिए। ठीक है, अब देख सकते हैं ये इमेज जैसे लग रहा है अलग से हम लेके आए, अगर ये मैं इनको सिलेक्ट करके लेके आई होती लाजो टूल की मदद से, ये पूरा एजेस के साथ है इनको ऐसे, तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव इसमें हमको इस बैकग्राउंड के साथ दिखाई पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बैकग्राउंड के साथ मिक्स एंड मैच भी करा सकते हैं अपने पिक्चर्स को, इमेजेस को। यहां से हम पैटर्न अगर रखना चाहते हैं, ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड के साथ हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा इमेज क्रिएशन हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हमारे ब्लर टूल। ब्लर टूल को यूज कैसे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ से इमेज को और जूम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस, ये देखिए ध्यान से फ्रेंड्स इनके इस इमेज को देखिएगा, मैंने यहाँ पे पूरी तरह से इसको जूम कर दिया है। और अब मुझे करना क्या है, और हाँ उससे पहले फ्रेंड्स एक बार आप लोग अपने लेयर टूल को भी देख लें, यहाँ पे मैंने जो है अभी हमारा कहाँ पर है कर्सर, हमारे जो है लेयर पे, यानी कि बैकग्राउंड वाले लेयर पे, हमको किस पे काम करना है, इमेज वाले लेयर पे काम करना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इनके लेयर को हमने चूज कर लिया, अब हम कहाँ गए हैं, लेयर पे हम चले गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करना क्या है, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे ध्यान से देखिए, अब हमारा जो है इस लेयर बार पे अब हमारा काम नहीं है, अब हमारा जो भी काम है इस इमेज पे हमको करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इमेज, अब क्योंकि फ्रेंड्स हमने इमेज को जूम किया था, ये जूम करने की वजह से इसके जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े से बहुत स्ट्रेच किए और थोड़े से फटे फटे नजर आ रहे हैं, अगर ध्यान से आप लोग देखें। अब यही भी हमारा जो ब्लर टूल है उसका कमाल देखेंगे, ब्लर टूल ये हमने चूज किया, चूज करने के बाद ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये एजेस पे हमारे देखते जाइए, ये हमारा ब्लर करता जा रहा है, लेकिन ये हमारा ब्लर जो कर रहा है इसकी ब्रश की स्ट्रोक देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 19 दी हुई है, हम इसे अंडू कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड, हाँ ये इनका ग्लास है वो हमने सही कर दिया। अब वापस से ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखिए इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे जो इनकी स्किन का वो दिख रहा है, इसको हम ब्लर करके इनके फेस को एकदम स्मूथ इस तरह से हम बना के चले जा रहे हैं। सपोज दैट फ्रेंड मान लीजिए यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, पैच बना हुआ, अब हमने ब्लर टूल का यूज किया ये, अब ये देखिए हम इसी पे हम क्लिक करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर किसी के फेस पे कोई डार्क स्पॉट्स हो उसे अगर रिकवर करना हो तो कैसे आप करेंगे, ये देखिए हम इस पे जितना क्लिक करेंगे उतना ही ये लाइट होता चला जाएगा, ये देखिए, ये देखिए जितने क्लिक्स उस पे करें उतना ही ये लाइट होता चलेगा। अगर ध्यान से देखें फ्रेंड्स इस इमेज को, ठीक है, तो पहले ये क्या था, ये देखिए पहले ये कितना डार्क था, लेकिन अब जितना हम इसे ब्लर टूल हम क्लिक करते जाए उतना ही ये हमारा लाइट होता चला जा रहा है, एकदम लाइट। अब इसी तरह से अगर हम ब्रश का स्ट्रोक और लेके हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 30 पिक्सल कर लेते हैं, और अब देखिए ये देखिए हमारा यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, और एकदम 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 ये लाइट होते 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 फिर जैसे मानो गायब ही होते, जैसे हो ही ना यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे के स्क्रीन पे बहुत थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा, बट अभी उतना डार्क नहीं है जितना हमारे ये स्टार्टिंग में ये डार्क था, ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे लाइट हो चुका है, ये देखिए हम क्लिक करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे यहाँ पे, और ये एकदम लाइट होता चला जा रहा है, ये देखिए, और अभी इतना लाइट है जैसे मानो किसी मच्छर ने काट दिया और हल्का सा वहां पे धब्बा सा पड़ गया हो, वैसा ये एकदम लाइट हो चुका है। सो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स
इसको हमने इतना ब्लर कर दिया, इतना ब्लर किया है कि इसको आप अगर थोड़ा सा दूर से ही देखें तभी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद ये देखिए बालों का स्ट्रैंड यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हम यहाँ से मिक्स एंड मैच कर देंगे। ये देखिए ये जो इनके यहाँ पे बीच में आपको एक्स्ट्रा वो दिख रहे हैं, हेयर्स दिख रहे हैं, इसको भी हम इस तरह से स्मूथ करके यहाँ से क्लीन स्किन को हम यहाँ से क्लियर कर। इसी तरह माउस की क्लिक को हम इस तरह दबा के जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये वहां के एरिया को स्मूदन करता चला जाएगा, ये देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम इधर भी कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स कोई इंसान कितना भी भद्दा सा दिखे उसको हम लोग ब्लर इफेक्ट की मदद से हम लोग उसे बहुत ही कमाल का लुक दे सकते हैं। ये देखिए अब इस इमेज को जरा यहाँ पे एक बार फिर से और ब्लर करके यहाँ से इसे मैं लाइट कर देती हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इसे मैं लाइट कर चुकी हूँ जो यहाँ पे रेड कलर में लेकर आई थी। अब इसे हम जो है जूम इन करते हैं कंट्रोल माइनस। ये देखिए अब वापस इसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं और ध्यान से देखिए फिर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपको यहाँ पे पैचेस थे कितनी सारी चीजें इसमें आप लोग को चेंज हो करके जो है मिलेगी, ये देख सकते हैं। पहले फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे रेड पैचेस बनाए थे ये आप देख सकते हैं कितना डार्क था और अब ये कितना लाइट है। ठीक नेक्स्ट फ्रेंड्स इनके जो आईब्रोज आप देख सकते हैं इस आईब्रोज को मैंने इतना ज्यादा स्मूदिंग कर दिया वहां से जैसे लग रहा है वहां कोई एक्स्ट्रा बाल है भी नहीं इनका। ठीक है तो ये था इनका जो है ब्लर इफेक्ट का कमाल। अब इसी के साथ फ्रेंड्स हम इसी ब्लर टूल में हमारे और भी कुछ ऑप्शंस हैं जैसे यहाँ पे शार्पन ब्लर। अब शार्पन टूल को हमने यहाँ से ले लिया, अब इसे वापस हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं कंट्रोल प्लस और स्पेस बार दबा के जब आप इसे माउस के साथ इसे ड्रैग करेंगे तो जिस लोकेशन को आप चाहेंगे वहां पे आप इसे ला सकें। ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी शार्पन टूल चूज कर रखा है। अब ये देखिए जब हम शार्पन कर रहे हैं तो ये जो हमारा ब्लर वाला इफेक्ट है ये इसे हम और भी ज्यादा क्लियर करते जा रही है, देख सकते हैं। ये देखिए जो ब्लर हमारा इफेक्ट था अब ये क्या करता जा रहा है पूरा उसे खुरचता जा चला जा रहा है। यहाँ से हम ब्रश के स्ट्रोक को हम बढ़ा लेते हैं। ये 45 हमने ले लिया, ये देखिए जितना हम इसे घिसते जाएंगे उतना ये देखिए इसका जो एक्चुअल कलर है वो हट के कर हटता जाएगा। ये देखिए ये देखिए और यहाँ कुछ अलग से कलरफुल बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। ठीक है जो आपका बैकग्राउंड है वो हट जो उसका फोरग्राउंड है वो हट करके बैकग्राउंड यहाँ का चला आ रहा है इस इमेज का। सो देख सकते हैं ये अंतर। अब ये कितना ये हमारी इमेज यहाँ पे बेकार लग रही है। ठीक है सो ये इफेक्ट होता है शार्पन टूल का। जैसे आपको किसी की एजेस अगर शार्प करनी है वहां से तो आप इसका यूज कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट जेड। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट इसे हमें एक और ऑप्शन मिलता है ध्यान से देखिएगा स्मज टूल। स्मज टूल का यूज देखते हैं ये क्या करता है स्मज करता है। ठीक है स्मज का मतलब जैसे ये आपका जो कलर इफेक्ट है इसको ये देखिए फैलाता जा रहा है। इसे हम कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं अंडू और यहाँ एक हम पेंसिल कलर लेते हैं यहाँ से हमें पैच दे देते हैं। ये देखिए दे दिया हमने वापस से और अब हम जो है यहाँ से जो स्मज टूल है इसे हम स्मज करें यानी कि हम इसे फैलाते जाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये टूल भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स तो ये था स्मज टूल का कमाल। अब आइए इनकी पिक्चर के साथ थोड़ी सी जो है कलाकारी करते हैं कंट्रोल माइनस जूम इन करने के लिए। ठीक इतना इनफ है। अब देख ध्यान से देखिएगा ये जो इनका ग्लास है अब मैं इनको ये ग्लास को मैं यहाँ से इतना स्मज करके यहाँ एक अलग सा इफेक्ट देना चाहूंगी। ये देखिए ये देखिए आईब्रोज भी इनकी स्मच हो गई। ये देखिए ये देखिए एक बहुत ही खतरनाक सा राक्षस वाला लुक यहाँ पे इनके हम बनाते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ का कोई पर्सनली मैं से खुन्नस नहीं निकाल रही, बस आपको बताने के लिए किस तरह से ये टूल आपके बहुत ही काम का हो सकता है, ये इफेक्ट ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसका यूज किया। बट फ्रेंड्स ठीक है, से आप ये मत सोचिएगा कि मैं इनसे पर्सनल खुन्नस निकाल रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्रोल ऑल्ट जेड, ये हो गया इनका सही। तो स्मर्ट्स टूल का मतलब भी आपको यूज आई गेस समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहीं पे एक टूल मिलता है हमारे, जिसे हम कहते हैं डॉज टूल, ठीक है। डॉज टूल में हमारे डॉज टूल है, बर्न टूल है, स्पंज टूल है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेते हैं डॉज टूल, और इसका यूज हम करते हैं यहाँ से, इनकी जो ये नाक की टिप दिख रही है आपको, इनको हम डॉज कर दे रहे हैं। डॉज करना यानी एक तरह से हम इसको लाइटन कर रहे हैं, ये देखिए स्मूथ कर दे, हालांकि ये क्या करता है, लाइट कर रहा है, ये देखिए यहाँ का जो एरिया है लाइट कर रहा है। किसी को फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा गोरा करना चाहें तो इस तरह से आप डॉज टूल की मदद से आप उनको गोरा वाला इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे मानो इन्होंने बहुत सारा पाउडर पोत रखा है, ये क्या करे इनके कलर को सिमिलर सिमिलर करते जा रही है। ये देखिए, अब ध्यान से फ्रेंड्स इनकी इस इमेज को देखिए और इनकी इस इमेज को देखिए, दोनों इमेज का फर्क आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस इमेज में इनका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्रिटिश है, एंड इस इमेज इनकी कलर कॉम्प्लेक्शन को मैंने क्या किया, फेयर कर दिया। तो ये हमारे डॉज टूल की मदद से हुआ है, ठीक है। डॉज टूल में फ्रेंड्स अगर ध्यान से दें, यहाँ पे रेंज पे देखिए, तो आप यहाँ पे मिड टोन दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे शेडो भी है हाईलाइट से। अगर शेडो टूल का हम यूज करते तब देखिए क्या होता है, सपोज दैट हमने ये लिया, ये देखिए शेडो इफेक्ट हम दे रहे हैं, ये देखिए शेडो इफेक्ट धुंध सा इनके फेस के ऊपर, इनके इमेज के ऊपर हमने बना दिया। तो ये हमारा शेडो इफेक्ट, कंट्रोल ऑल्ट जेड अंडू, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट हमारा ध्यान से देखिएगा, ये डॉज टूल ही जो हम लेते हैं, यहाँ पे शेडो मिला, इसके अलावा हमारा हाईलाइट्स। अब अगर हमें ये हाईलाइट करना है, ये देखिए हाईलाइट, ये किस तरह से हाईलाइट, जैसे मानो इनके माथे पे प्रकाश चमक की वजह से इनके पास कोई दिव्य शक्ति है, ठीक है, देख सकते हैं ये इफेक्ट आता है आपके हाइलाइट्स की मदद से। इस तरह से आप इनके पीछे मान लीजिए, हमें जैसे इनको जो एकदम भगवान वाले अवतार के रूप में दिखाना है, ये देखिए इस तरह से इनके पीछे पीछे बैक एरिया पे जो डार्क है वहां पे हम लोग इसे घुमाते जाएंगे और ये उस कलर को लाइट करता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमारे जो हाइलाइट्स हैं इसका एक्सपोजर जो है 50% से बढ़ा करके और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए ये और लाइट हो जाए, इसी को हम 100% कर देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, जितना आप स्ट्रोक इसके ऊपर स्ट्रोक आप चला रहे हैं उतना ही एकदम हाईलाइट वाला इफेक्ट ये चढ़ता जाएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जितना आप स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक आप देते जाएंगे उतना ही यहाँ पे ये लाइट करता है चला जाएगा इमेज को साइड के, देखिए हाईलाइट हमारा करता चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप अगर इमेज के किसी हिस्से को अगर एक्स्ट्रा आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके मदद से आप हाईलाइट कर सकते हैं, हमने किसके टूल को है डॉज टूल की मदद से। देख सकते हैं दोनों इमेजेस का अंतर, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट जेड, ठीक है। सो आई होप कि आपको दोनों इमेज का अंतर आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट डॉज टूल के अंदर ही आपको मिलेगा बर्न टूल, हमने बर्न टूल लिया, अब इनको थोड़ा सा हम बर्न इफेक्ट दे देते हैं। ये देखिए
बर्न इफेक्ट देने के बाद क्या हो रहा है इंक्रीमेंट के साथ, ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इनका जो फेस है, ये हम इनको थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, ठीक है। जहां हमने ब्लर के टूल के अदर इफेक्ट के साथ इनको हमने गोरा बनाया था, वही अब बर्न टूल के मदद से इनको थोड़ा सा हम काला करें, यानी कि इनको हम सांवला बना रहे हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। इनका कलर कॉम्प्लेक्शन देखिए, एक इसका इफेक्ट देखिए और दूसरा इमेज इसमें इनका इफेक्ट दीजिए, कितना अंतर आया है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा बर्न टूल, अब इसी में हमारा मिलेगा स्पॉन्ज टूल। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं बर्न बोल रही, तो आप बर्न को ये मत सोचेंगे, आप बर्न बोले, बर्न की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये है BURN, ये वाला बर्न, ठीक है, ये बोला मैंने, ये मत समझिएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ओके फ्रेंड्स। सो अब नेक्स्ट यूज करते हैं स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, इसके कलर इफेक्ट को फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा साइड से स्पंजी इफेक्ट देता है, जैसे ये है, अब यहाँ से इमेज को देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम उस पर क्लिक करते जाए, एजेस हम यहाँ पे जैसे इनका ग्लास देखिएगा ध्यान से, इनका जो ग्लास एरिया यानी कि चश्मे वाला जो हिस्सा है उसको हम स्पंज टूल के मदद से यहाँ से देखिए घिस पे चले जाए, ये जितना घिसेगा ये जो इमेज है उसकी लेयर ये क्या करेगी, उसको घिस देगी यानी स्पंज कर देगी, ठीक है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे इमेज की जो कलर तो है वो थोड़ा सा डार्क होता चला जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे स्पंज टूल का काम, जिससे कि क्या हुआ इनकी इमेज जो है यहाँ से थोड़ी सी डार्क हो गई है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि स्पंज टूल कैसे वर्क करता है। आते हैं नेक्स्ट टूल पे, हमारा नेक्स्ट टूल आता है यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल, ठीक है। सपोज दैट हमको पाथ सिलेक्शन करना है, ये देखिए इसमें अगर हमने पाथ सिलेक्शन करते हैं यहाँ से, ये देखिए जब पाथ सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ से जो है कुछ भी होनी होगा, ये देखिए कितनी दूर हमको सिलेक्ट करना है, आ गया ये, ठीक है। इसी के अंदर हमको एक और टूल मिलता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ से हमने क्लिक किया ये और यहाँ से हमको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का यूज कैसे होता है, ये देखिए ड्रैग करेंगे इस तरह से, यहाँ पे आ गया हमारा, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इमेज, ये देखिए इमेज हमने लिखा, ये हो गया। अब इसका जो कलर है यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स हमने कलर को कहाँ से चूज किया है, ये हुआ, और यहाँ से हमने ब्लू कलर दे दिया, ओके किया, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, और ये ब्लू कलर, ओके बाहर क्लिक किया, कंट्रोल डी, ये हमने इसको अनचेक कर दिया, ये देखिए, और ये देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर यहाँ से ब्लू हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट अगर हमको और मोटा करना है तो ये देखिए 60 हमने बढ़ा दिया, साइज यहाँ से इनकी रेगुलर रखनी है, फॉन्ट की स्टाइल कौन सी रहेगी, ये देखिए एम्बेसी, तो एम्बेसी हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है टेक्स्ट टूल में जाके और इतने सारे हम चेंजेस कर सकते हैं टेक्स्ट टूल में फ्रेंड्स। हमको ये देखिए और कितने इफेक्ट मिलते हैं टेक्स्ट टूल की अगर बात करें, तो इसी में हमको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल मिलेगा, वर्टिकल टाइप टूल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप क्या कहते हैं टाइप मास्क टूल, ठीक है। ये हुआ,
अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ से हमने फ्रेंड्स इसको हमने क्या किया, वर्टिकल कर लिया। ये देखिए हमने अनचेक किया और यहाँ से हमने ये ले लिया डायरेक्शन, यहाँ से हमने ये कंट्रोल ऑल्ट जेड। हट गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टूल का अब हमारी यूज तो थोड़ा सा अभी है नहीं, तो इसके लिए अभी इसे हम जरा मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट हम चूज करते हैं कंट्रोल एन, ये हमने ले लिया टेक्स्ट टूल को लिया, यहाँ से हमने लिया पी एच ओ टी ओ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा टूल सिलेक्टेड है ये देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसकी साइज को हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने ये इनका जो वर्टिकल को हटा के हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट जेड। और अब यहाँ से फ्रेंड्स हम हॉरिजॉन्टल टाइप ले लेते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। यहाँ से हमने टाइप किया फोटो पी एच ओ टी ओ, ठीक है ये हो गया। यहाँ से हम इसका पहले सिलेक्ट कर लेते हैं ये, नेक्स्ट यहाँ से हम इसका स्टाइल हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे पास टूल हैं, टाइम्स न्यू रोमन ये देखिए हमने चूज कर लिया और ये देखिए देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमने टाइम्स ऑफ न्यू रोमन ले लिया, अब इसी में फ्रेंड्स हम लोग एक चीज और कलाकारी कर सकते हैं, ये देखिए ओके। ये देखिए हम लोग अपने टेक्स्ट को इस तरह से जो है डॉच करते जाएंगे, ये देखिए इसकी अगर डायमीटर आप बढ़ा दें तो ये देखिए। और आप देखिए ये देखिए अब लग रहा है ना एकदम धुंधला धुंधला सा, इस तरह का आप इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हमने टूल टाइप मास्क लिया। अब यहाँ से हम टाइप करते हैं, ये देखिए जैसे हमने टाइप किया और ये ड्रैग किया कंट्रोल जेड हो गया यहाँ से, पहले यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पी टाइप किया और इसको हमने यहाँ से क्लोज किया, हट गया। ये देखिए जैसे ही क्लोज किया तो हमारे ये मास्क टाइप का टूल यहाँ से चला आया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे सोच रहे हैं फ्रेंड्स ऐसा कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसके लिए जो है ये वाला टूल चूज किया है जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल मास्टर हॉरिजॉन्टल मास्क टाइप टेक्स्ट टूल है, ठीक है, जिसके वजह से ये बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर लेके आ रहा है ताकि हमको पता चले कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। कंट्रोल ऑल्ट जेड, ये देखिए इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका वो चला आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म को हमने यहाँ से हटा दिया, ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट आता है इसी के जस्ट बाद पेन टूल, पेन टूल भी यहाँ पे हमारे पास काफी सारे टूल हैं, ये देखिए हमने कुछ लिखना है ये, ठीक है
इस तरह से आप पेन टूल की मदद से कोई भी अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी में मिलता है फ्री फॉर्म पेन टूल, ये देखिए, और इस तरह से कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे उसमें कलर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर इसी में आपको मिलता है ऐड एंकर टूल। अब अगर आपको एंकर करना है इसमें, ये देखिए ऐड करना है, ये आ गया, ये देखिए, इस तरह से आप इसमें इमेज में एंकर आप ऐड करते चले जाएंगे। तो आप नोड टू नोड, फिर इसके बाद आप जॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में मिलता है फ्रेंड्स डिलीट एंकर। मुझे एंकर डिलीट करनी है, ये देखिए, इसको मैंने क्लिक किया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा पेन टूल। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो कैसे इन टूल्स का यूज होते हैं। इसके बाद के और जितने भी टूल्स हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम बात करें अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि आप लोग को जो है आज जितने भी टूल्स बताए वो अच्छे से उनका यूज समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और इन सारे टूल्स का आप लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से यूज करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा ज्यादा अलग अलग तरीके से यूज करें उतना ही आप लोग को एडिटिंग अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।